आज आप जानेंगे ब्लूटूथ हेडफोन और माइक्रोफोन कैसे कनेक्ट करते हैं और जो प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्लूटूथ हेडफोन या माइक्रोफोन आपको पीसी से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो उसके लिए ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से देखेंगे आपको कसर दिखाई दे रहा होगा, और आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे देखिए तो आपका जो आपको डिवाइस यहाँ पर ऐड करनी है उसके लिए आपको इस तरह से आपके टेक्स्ट बार में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो हाइड जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ब्लूटूथ यहाँ आपको दिख जाएंगे कुछ डिवाइस जो इंस्टॉल हैं, तो आपको यहाँ ब्लूटूथ दिख रहा है तो आपको इस पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। और इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको यहाँ पर डिवाइस ऐड करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ ऐड पर क्लिक करना होगा और ऐड डिवाइस कर देंगे। और जो उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास अपनी ब्लूटूथ डिवाइस है तो उसको ऑन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे ऐड डिवाइस कर रखा है तो ये सर्च यहाँ पर करेगा। जैसे ही आपकी डिवाइस यहाँ पर इस तरह से सर्च होगी और सर्च होने के बाद आपको कुछ इस तरह से सर्च कर लेगा और इस तरह से आपको आइकन दिखाई देगा। तो आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है जो भी अभी डिवाइस है ब्लूटूथ डिवाइस, तो उसको आपको यहाँ पर इस तरह से डिवाइस आ जाएगी, तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद वह इस तरह से कनेक्ट होने लगेगी, तो जो आपकी डिवाइस है अभी चलेगी। अभी आप नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ एक मैसेज आ रहा है लेकिन ये डिवाइस यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है और ऐड नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आ रहा है डिवाइस डैमेज नॉट बाज सक्सेसफुली एडेड। तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको कैसे यहाँ पर ऐड करना है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो उसके ही बारे में बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम ब्लूटूथ डिवाइस को ऐड होने में इसी तरह की प्रॉब्लम आती है जो आपके माइक्रोफोन हैं या हेडफोन्स हैं, तो वो प्रॉपरली जब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है तो आज मैं उसके ही बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आपको इस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपका जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है तो जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है वो उसको ऐड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लूटूथ शूट करके एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप डायरेक्टली वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इस तरह को आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है और इसको मतलब एडिट करना है, तो इसको कैसे हम इसके यूज के द्वारा उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है रन में। अगर आपको रन में नहीं जा रहा है, रन में अगर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर सेट मतलब सर्च करना है, अगर वो यहाँ से नहीं मिलता है आपको सर्च करके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूटर दिखाई दे रहा है तो इस पर राइट क्लिक कर देना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिवाइस मैनेजर, तो वो इस तरह से, तो आपको डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अदर डिवाइस, तो ब्लूटूथ डिवाइस करके यहाँ आ रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, आपको यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो सबसे पहले आ रहे हैं अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्या होता है जो कंप्यूटर के जो ब्लूटूथ आपने यहाँ पर अभी ऐड कर रहे हैं डिवाइस, तो
तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो सक्सेस उसका जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपर जो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें या तो प्रॉब्लम होती है कि आपका जो सिस्टम है तो वो विंडो है जो कि पूरी तरह से अपडेट नहीं है, तो आप उसे अपडेट करके देख लेंगे। अगर अब अपडेट करने के बाद भी अगर आपका नहीं ऐड हो पा रहा है जो ब्लूटूथ डिवाइस है, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम इसे ट्राई करते हैं, तो जो अपडेट है अभी अपडेट से क्या पता चलता है। तो आप इस तरह से अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद आप नीचे ब्राउज़र कंप्यूटर और फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से ये पेज ओपन आएगा। तो आपको यहाँ पर ब्राउजिंग में ना जाकर नीचे यहाँ लेट्स मी पिक फ्रॉम लिस्ट ये ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके आप बाद आपको नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। पोर्ट पे जाके इस तरह से जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसको आपको सब यहाँ पर स्टैंडर्ड पोर्ट टाइप पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जो आपके लिए लिंक चाहिए होगा यहाँ से, तो उस लिंक के लिए हमें पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो ब्लूटूथ जो कनेक्ट होना है, तो उसके लिए यहाँ से पहले ये अपडेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपडेट कंप्लीट करने के लिए तो जो आपको अपडेट करना होगा, तो उसके लिए जो मैंने अपडेट किया है ऑलरेडी पहले कर रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो उसके लिए आपको अपडेट आने के बाद इस तरह से आएगा, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो ऐड हो जाएगी कम्प्लीटली। और तो किस तरह से आपको इसे ऐड करना है और किस तरह से काम करेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिवाइस हमने ओपन कर रखी, तो यहाँ से आपको इसको पहले कैंसिल कर देना है। और आपको जब मैंने ये बताया तो आप इस सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करना है। तो यहाँ आप देखें जो आपकी डिवाइस जो भी है, तो आपको उस डिवाइस के अनुसार यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपके लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, जो सिस्टम का 32 बिट्स में है या 64 बिट्स में है। आप उसको यहाँ दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए आप प्रोसेस हो रहा है। हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, बाकी सबको मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना आपको। और समथिंग इस तरह से यहाँ ऑप्शन मांगेगा, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और यस करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस में टाइम लेगा। तो इस तरह से विजेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ प्रोसेस चालू हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जब एक प्रोसेस थोड़ा कर लेगा, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिला है, तो आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आप लोकेशन वगैरह कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल। तो इस तरह से ये लगभग थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो आपकी डिवाइस है वो उसको ऑटो ये कलेक्ट कर लेता है, और जो भी आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उस दोनों में से अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। आप इस तरह से जो आपकी डिवाइस ब्लूटूथ डिवाइस है या जो भी बाकी की डिवाइस है, तो उनको आप इसको कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर तरीके से ऐड कर पाएंगे। और ये यहाँ पर जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 100% वर्किंग करता है। और ऑप्शन कई होते हैं, मगर वहाँ आपके जब सिस्टम में इस तरह से अपडेट ना आने की वजह से डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो उसके लिए आपको आपके जो सिस्टम है जो विंडो है उसको अपडेट रखना पड़ता है। अब लास्ट सेटअप हो रहा है,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ नीचे देखिए बार नीचे एक रोल हो रहा है तो वहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम इसे लगता है, तो यहाँ पर और आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर यहाँ कंप्लीट आपका जो ड्राइवर था वो कंप्लीट हो चुका है और डिवाइस आपकी प्रॉपर ऐड हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा होगा नीचे जो मैसेज है। तो आपको इसके बाद इसको यहाँ पर फिनिश कर देना है और यहाँ पर देखिए आप यस करना है आपको, तो इस तरह से इसको मैंने और ये कुछ इस तरह से ऐड हो गई है। तो इस तरह से आप डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपके सिस्टम को यहाँ से जाना है और रिस्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो चुका है दोबारा से, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो हमारी डिवाइस है वो कनेक्ट अभी दिखा रहा है यहाँ पर नहीं। तो आपको यहाँ पर हमारे डिवाइस में जाना है, तो जो अभी यहाँ पर एक मार्क आ रहा था आप येलो कलर का देख रहे थे, तो अभी वो इस समय नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉपर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिवाइस है वो इसको प्रॉपर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो आपके इसके बाद आपकी ब्लूटूथ जो डिवाइस है वो 100% वर्क करेगी, तो आप यहाँ पर अपना जो सॉन्ग वगैरह है कुछ भी यहाँ पर चला के आराम से उस तरह से यूज कर सकते हैं। और आपकी कोई भी इस तरह से अब इसके बाद कोई भी माइक्रो डिवाइस है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप यहाँ पर चला सकते हैं और उसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आता रहूँगा ऐसे ही नए वीडियो के साथ और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।